अगर इस पौधे को जिंदा रखना है ना, तो पानी के बंद होने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि इस गमले को ठीक करना होगा। इसमें जो दरार पड़ी है ना, वो दरार भरनी पड़ेगी, ठीक उसी दरार की तरह जो तुम्हारे मन में भी है। और ये तभी होगा जब तुम खुद मानोगे कि हाँ, तुम्हारे अंदर भी कहीं कोई दरार है। अन्वी, तुम्हें ना अपने अंदर की दरार को भरना होगा। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना, सबको सच बताना होगा, नहीं तो धीरे धीरे ना तुम अपना वजूद खोने लगोगी, कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास। मैं इसीलिए कह रही हूँ, प्लीज सबको सच बता दो, चुप मत रहो। काकी साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? कल घर में जो कुछ भी हुआ, मुझे उसी बारे में बात करनी है। हाँ, बोलो। सॉरी काका सर, कल घर में इतनी बड़ी कंफ्यूजन, इतनी बहस हुई मेरी वजह से। सब कितने खुश थे, इतना अच्छा फंक्शन था, सब स्पॉइल हो गया, सबका मूड खराब कर दिया मैंने। सॉरी। अन्वी। अरे बाड़ा, रोड़ो नको, तू शांत हो जा बेटा। लेडीज, आई मस्ट से अन्वी सबसे बेस्ट लग रही है। शी स्टोल द शो। अन्वी बहुत ही अच्छी दिख रही है। एब्सोल्युटली ट्रू। भाई अन्वी, इशू ने बिल्कुल ठीक कहा। ये लहंगा तेरे ऊपर बहुत प्यारा लग रहा है। वैसे नाम मेरा अप्सरा है, लेकिन आज अप्सरा लग अन्वी रही। वाओ वाओ वाओ, मामी जी और ईशान दादा, आप भी। मुकुल मामा के बाद आप दोनों की भी लाडली अन्वी हो गई है। मैं तो किसी की लाडली ही नहीं हूँ जो हमें बात नहीं करे। अरे बाड़ा बाड़ा बाड़ा, काय जाला तुला, तू मेरी लाडली अपने बाबा की, निशिकांत भोसले की, और क्या चीज तुझे। दुर्वा बेटा, अन्वी, आज तुम दोनों को इस लहंगे में देखकर मुझे ये एहसास हुआ, मेरी दो छोटी छोटी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। अब तुम्हारी शादी होगी और तुम अपने अपने ससुराल चली जाओगी, फिर कहाँ ऐसा हंसी मजाक और मिलना जुलना होगा। कल तुम अपने मायके कब आओगी कब जाओगी, इसे मेरा को लेना देना नहीं। पर तुम्हें अपने मामा के घर जरूर आना होगा। तब देखना फिर लाड दुलार का असली मतलब क्या होता है। ऑफ कोर्स मामा जी, हम जरूर आएंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।